हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया या इफेक्ट ऑफ एकोमोडेशन। ये क्या होता है? एकोमोडेशन इन हाइपरोपिया इज ग्रेटर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रक्चरल फैक्टर। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फैक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या होता है? एकोमोडेशन होता है। चलिए कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पढ़ने से पहले एकोमोडेशन को जानते हैं। ये क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है वो देखते हैं। जब नियर ऑब्जेक्ट से कोई डाइवर्जिंग रे आता है तो उसको कन्वर्ज करने के लिए हमारे आई को ज़्यादा पावर की आवश्यकता होता है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो लेंस होता है वो अपना कर्वेचर चेंज कर देता है। ठीक है, पहले ऐसे होता है तो इसका जो इंटीरियर जो पार्ट होता है, इंटीरियर जो होता है वो अपने आप को क्या करता है, बड़ा कर देता है या फैला लेता है या फैट कर लेता है अपने आप को। अब देखते हैं टोटल हाइपरमेट्रोपिया, ये क्या होता है। टोटल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर विच एस्टिमेट आफ्टर कंप्लीट साइक्लोप्लीजिक विथ एट्रोपिन। क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग आफ्टर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप डालने के बाद, जिसे इसको क्या बोलते हैं, एट्रोपिन ड्रॉप डालने के बाद ही हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ एरर या एरर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट, ये दो होता है, एक लेटेंट होता है एक मैनिफेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया, ये क्या होता है। लेटेंट, लेटेंट मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। ठीक है, ये करेक्टेड बाय इनहेरिटेंट टोन ऑफ सिलियरी मसल अबाउट वन डायोप्टर। चलिए इसको हम फिगर में देखते हैं एक बार। क्या बोल रहा है, हमारे सिलियरी मसल तो ये हैं। ठीक है, ये क्या करता है, अबाउट वन डायोप्टर जो पावर होता है हमारे आई में वो ये करेक्ट कर देता है। ठीक है, सिलियरी मसल हमारा जो है वो अबाउट वन डायोप्टर का अब रिफ्रैक्टिव एरर जो रहता है वो करेक्ट कर देता है। अगर सपोज किसी पेशेंट को प्लस फोर डायोप्टर का पावर लग रहा है तो उसका उसका मतलब क्या है, प्लस वन डायोप्टर ये सिलियरी टोन ये करेक्ट कर दिया। अब वो पेशेंट को कितना लगेगा, थ्री डायोप्टर का ही पावर लगेगा। ठीक है, लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया हायर इन चिल्ड्रेन एंड ग्रेजुअली डिक्रीज विथ एज। क्या होता है, लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया हायर इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि उन लोग का जो सिलियरी मसल है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से ये लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया बहुत हाई होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज करते जाता है तो हम लोग का सिलियरी मसल थोड़ा कमज़ोर होते जाता है, जिससे लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया क्या करता है, डिक्रीज करने लगता है। तीसरा देखते हैं, लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया डिस्क्लोज व्हेन रिफ्रैक्शन इज कैरीड आफ्टर एब्लोजिंग द टोन ऑफ विथ एट्रोपिन। अब क्या बोल रहा है, हम लोग लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया का जो डिस्क्लोज कब कर सकते हैं या रिफ्रैक्शन हम लोग कब कर सकते हैं, जब उसका टोन जो उसका सिलियरी टोन होता है उसको एब्लोसिंग मतलब ख़त्म कर देंगे विथ एट्रोपिन के साथ, तभी हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। या क्या क्या है, मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया विच इज नॉट करेक्टेड बाय सिलियरी टोन। जो मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको हम लोग क्या, सिलियरी के टोन के साथ हम लोग करेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, इसका दो कंपोनेंट्स है, पहला क्या है फैकल्टेटिव, दूसरा क्या है एब्सोल्यूट। देखते हैं फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया, ये क्या होता है, करेक्टेड बाय द पेशेंट एकोमोडेशन इफेक्ट। ये जो होता है एकोमोडेशन इफेक्ट से ये क्या करता है, करेक्ट कर लेता है। ठीक है, जब नियर ऑब्जेक्ट, एकोमोडेशन क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट से जो डाइवर्जिंग रे आता है, ठीक है, डाइवर्जिंग रे आता है उसको कन्वर्ज करने के लिए हमारा लेंस क्या होता है, अपना कर्वेचर क्या करता है, ये चेंज करता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, दूसरा देखते हैं एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया, ये क्या होता है, इट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय द पेशेंट एकोमोडेशन इफेक्ट। जो पेशेंट का एकोमोडेशन इफेक्ट होता है उसके द्वारा ये करेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, या जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हम लोग का जो कर्वेचर चेंज करता है लेंस वो कर नहीं पाता है, उसके वजह से क्या होता है कि हम लोग करेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसी को हम लोग ब्रीफली में देखते हैं, टोटल हाइपरमेट्रोपिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेटेंट प्लस मैनिफेस्ट, या मैनिफेस्ट का दो टाइप होता है, एक फैकल्टेटिव और दूसरा क्या होता है एब्सोल्यूट। अब ये देखते हैं,
लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारा सिलियरी टोन वो करेक्ट कर लेता है सिलियरी टोन अबाउट वन डायोप्टर, और मैनिफेस्ट क्या होता है, ये हमारा जो सिलियरी टोन होता है वो करेक्ट नहीं कर पाता है। इसी का दो है, एक फैकल्टेटिव एक एब्सोल्यूट। अब फैकल्टेटिव में क्या होता है, हमारा जो एकोमोडेशन है वो करेक्ट कर लेता है, और एब्सोल्यूट में क्या करता है, एकोमोडेशन से भी करेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसी को अब हम लोग एक नोट्स में देखते हैं। विथ इंक्रीज एज, जब इंक्रीज एज होता है तो क्या होता है, हम लोग का डिक्रीज क्या हो जाता है, एकोमोडेशन। एज के कारण क्या होता है, एकोमोडेशन डिक्रीज कर जाता है। जैसे जैसे एज इंक्रीज करेगा, एकोमोडेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो द फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया डिक्रीज एंड द एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया इंक्रीज। इसीलिए जो फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, वो डिक्रीज करने लगेगा, और जो एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया हो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फैकल्टेटिव क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो हमारा ये क्या करता था, एकोमोडेशन से एज तो ठीक कर देता था, लेकिन एज बढ़ रहा था, एकोमोडेशन तो घट रहा है, तो ये ठीक नहीं कर पाएगा, इसलिए ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।